कीड़ा हमेशा जो है कि उड़ने बिछौने के अंदर में ज़्यादा घुसता है और जा आमतौर पर सांपों का नाम सुनते ही हम डर जाते हैं। किसी भी आम आदमी के लिए सांपों को देखकर बिना डरे रहना ये आम नहीं, लेकिन आज जिस आदमी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं ये एक या दो नहीं बल्कि अब तक 5000 सांपों का रेस्क्यू कर चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज PR और मैं हूँ आपके साथ ज्योति सिन्हा। हम बात कर रहे हैं अमरनाथ गुप्ता की, जिन्होंने अब तक कई जहरीली सांपों को पकड़ा है और इसी का एक वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं किस तरीके से जहरीली सांपों के साथ ये खेलते हैं और फिर उनका रेस्क्यू करते हैं। कर रहे हैं करीब करीब सांप पकड़ने का काम मेरे 3-4 साल से मैं कर रहा हूँ और डर तो हर कोई को लगता है कि मतलब डर लगना भी चाहिए सांप से, और ये नहीं कि हम बाहुबली बन जाए सांप पकड़ते हैं तो बाहुबली नहीं, सांप हमें भी काटता है, हम भी हॉस्पिटल गए हैं। और आप लोग से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि सांप जब भी काटे कोई व्यक्ति को तो झाड़ फूक मत करें, डायरेक्ट जो है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाइए, अन्यथा आसपास के हॉस्पिटल में प्राइवेट में भी एंटी वेनम की व्यवस्था है वहाँ पर भी जाइए और इलाज कराइए, तब तक आपका जान बचेगा। अब तक आपने तकरीबन कितना सांपों को पकड़ा है? लगभग 5000 से ऊपर सांप मैं पकड़ चुका हूँ जहरीला, जो कि कुछ सांपों का मैं वीडियो बनाया हूँ, कुछ सांप को वीडियो नहीं बन पाया क्योंकि मेरे कैमरामैन कभी रहते थे कभी चल जाते थे दूसरे काम में, तो उसके लेकर के कभी अकेले रात में जाना पड़ता है, तो रात के समय में कैमरामैन को बुलाना बहुत दिक्कत हो जाता है, गाँव में रहते हैं और हम अकेले, इसलिए हम जा करके अकेले सिर्फ सांप को पकड़ते हैं, पकड़ के ले आन करके और साथ में जा करके रिलीज कर देते हैं हम लोग। कौन कौन